इसने पता है कितनी चलाकी दिखाई है, पहले मेरी टी शर्टों पे कलर लगाया। अपना सोच लेना फिर। मुझे अपना भी सोचना पड़ेगा। तो देख लो भाई, 9 लाख दिला दिया, 9 लाख लेके ही मानिए ये। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू रजवी व्लॉग्स। सो कैसे हैं आप सब लोग? मस्त मस्त वाइब्स ली जा रही है, ठंडी हवा, बाहर थोड़ा मौसम है ना, ठंडा होना शुरू हो चुका है और चिड़ियों की चहचहाट अच्छी लगती है। थोड़ी सी हल्की है हवा, लेकिन है। और देन मेरी हल्की हो गई है, सुबह बहुत तेज। पता है क्या बोल रही थी? कह रही थी, पापा मैं जन्माष्टमी भी पहना, मैं राधा बनूंगी, तो ना आप मेरे कृष्ण, आप ना कृष्णा बन जाना। मैंने कहा मेरी राधा तो तेरी मम्मी है। तेरी ओ, फिर मैं कृष्णा किसको बनाऊं? कौन बनेगा मेरा कृष्णा? कृष्णा नहीं, उसको राधा बनने का मन है तो राधा ही बनाओ ना उसको, कृष्णा फालतू में बनाना उसको। तो गाइस देखते हैं कि कौन राधा बनता है, कौन कृष्णा बनता है। एक धोती आप भी ले लेना। अच्छा, आप भी बन जाना। मैं पहले बना था, बहुत पहले मैं राधा बने थे। तभी तो मैं सोच रहा हूँ मेरी राधा कहाँ है। मेरे जो राधा बनी थी ना, वो जच्ची नहीं थी। ये करेगी अपना योगा और साफ सफाई, और मैं करूँगा अपनी एडिटिंग। तो गाइस अभी ब्रेकफास्ट के बाद अभी हम निकले हैं। एक्चुअली ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ा धुलाई करने का मन कर रहा है, तो धुलाई के लिए धुलाई वाला सामान लेने जा रहे हैं। और वो धुलाई वाला सामान मेरी बीवी को पता है कि वो क्या सामान है। आप लोगों को भी पता होगा धुलाई वाला सामान क्या होता है। क्या होता है धुलाई वाला? साबुन। ये वाला होता है? ये नहीं होता। कैसे बैड कैसे 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 धोते हैं फिर? कैसे धोते हैं फिर? वापस आते हैं फिर बताती हूँ कैसे धोते हैं। फिर अच्छे। वैसे एक बात है, ये टेक्नोलॉजी जो अब आ चुकी है ना, इसने बहुत सारी चीजें चेंज कर दी है। तो टेक्नोलॉजी का जो टाइम है ना, वो इतनी इजी लाइफ कर दी है ना। मशीन में फटाक से कपड़े डाले और बस, उसमें पैसे ही तो एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन टाइम बहुत बचता है, मेहनत बहुत बचती है। सामान, इसको अचानक से याद आया कि भाई सामान लेना है धुलाई करने के लिए, तो चलो वो सामान ले लेते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे पास में नहीं है, दूर है, और वहाँ से वो ऑर्डर भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक स्पेशल आइटम है, और स्पेशल जो आइटम होते हैं ना, वो ऑर्डर नहीं होते। और आज मेरी बीवी ने पहना है येल्लो, मेरी टी शर्ट पहनी है ये। इसने पता है कितनी चलाकी दिखाई है, पहले मेरी टी शर्टों पे कलर लगाया, दो नई टी शर्टों पे कलर लगाया, और उसके बाद फिर ये पहन रही है आराम से येल्लो, आराम से। मतलब मेरे पास दो ही येल्लो टी शर्ट थी, नई लगा दिया मैंने। वरना क्या वरना? क्या वरना? एडम। क्या वरना? एडम। ये री वरना? वरना। मैं तुझको दूंगा। देखो गाइस कितनी पतली रोड है, और ये मेन रोड है, तब जाके इतनी पतली है। बताओ मॉल के बाहर की इतनी पतली रोड। ओ भाई 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 भाई, ले जा इसको उठा के। अपना सोच लेना फिर। क्या? अपना सोच लेना फिर। मुझे अपना भी सोचना पड़ेगा। नहीं सोचना पड़ेगा। क्यों सोचना पड़ेगा? जब वो उठा के ले जाएगा तो आपका क्या होगा? अच्छा, वो भी सोचना पड़ेगा। ये क्या सेकंड हैंड सामान बेच रहे हैं क्या? चाहिए क्या? एक सेकंड हैंड माल ये भी है मेरे पास। आप लोग कमेंट करने आ जाएंगे, इतनी बेइज्जती अच्छी नहीं है भाई, भाभी की इतनी बेइज्जती मत करा करो, है ना? अपना टाइम भी आएगा। अपना टाइम भी आएगा, सबका टाइम आता है। ये देखो गाइस कितनी कंजेस्टेड मार्केट है, यहाँ पर लेकर आइए ये, मुझे यहाँ पे चाहिए इसको सामान। मैं बताता हूँ कौन सा सामान है वो। 9 लाख चाहिए इसको। 9 लाख ये देख लो, ये है 9 लाख। 9 लाख चाहिए ये वाला इसको। यहाँ पे घुसते ही ना पूरे साबुन की महक। तो ये गाइस सारे 9 लाख के प्रोडक्ट है। 9 लाख का क्या चाहिए? फैब्रिक चाहिए, सॉफ्ट चाहिए, 9 लाख के प्रोडक्ट है सारे। ये देखो 9 लाख सारा 9 लाख है। ये बड़े बड़े कंटेनर हैंड वॉश के लिए, ये बर्तन के लिए,
ये वैसे ग्लास क्लीन करने के लिए, ये कपड़े के लिए, ये वाला लेती है, ये वाला लिक्विड वाला, जो कि इसको ये ज्यादा अच्छा लगता है बजाय और दूसरे ब्रांड के। स्वाट यार, पीछे का खुला कब रह गया? चलो ड्राइवर। क्या ड्राइवर, आगे आ जा चुपचाप से, ड्राइवर आ जा चुपचाप से आगे, मैं नहीं चला रहा गाड़ी, ठीक है ना, आगे आना पड़ेगा। चालू तो देख लो भाई, 9 लाख दिला दिया, 9 लाख लेके ही मानी है ये। इतने की चिल्ला रही है? आप पीछे बैठे गए थे ना इसलिए। 9 लाख दिला दिया, 9 लाख लेके ही मानी है ये। अब चल रहे हैं हम घर। 9 लाख दिला दे ओ नंदी के बीरा। मुझे लगा वो शराबी वाला गाना गाओगे, शराबी वाली मूवी का है ना वो भी, तो ये भी यही तो उसी का ही तो आई है। अच्छा नंदी के बीरा कुछ भी। हाँ कुछ भी। हाँ। ये होता है हरियाणवी लोगों का, मतलब अपनी हर चीज में है ना हरियाणवी घुसा देते हैं, है ना। मुझे 9 लाख शराबी गाने, वो मूवी के गाने में भी, इसमें भी नंदी के बीरा वो हरियाणवी घुसा दी, यही तो गाना था। हरियाणवी भी है, हरियाणवी है वो वैसे ही वाला है हरियाणवी वाला, लेकिन आपने उसमें भी बोल दिया ना कि ये शराबी मूवी का ही है। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो सीधा स्कूल से निकला हूँ भाई, अभी जस्ट अभी 6:30 बजे हैं, 6:30 बजे से थोड़ा सा टाइम ऊपर हुआ होगा, तो अभी जस्ट निकला हूँ। शाम को इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना, इतना अच्छा वेदर हो रहा है, बिल्कुल बादल अच्छे लग रहे हैं। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, इतने प्यारे लग रहे हैं बादल, कितना अच्छा वेदर हो रहा है, बहुत गजब का। तो ऐसे में जाके पियेंगे गरम गरम चाय मस्त सी एक बीबी के साथ, क्योंकि शाम को ना थोड़ी देर चाय पीना, बातें करना अपने पार्टनर के साथ अच्छा लगता है हर किसी को। चाय पीना तो एक बहाना है, तो कहते थे ना चाय पीना एक बहाना है, इसी बहाने बैठ के थोड़ी बातचीत हो जाती है। Hey guys, अभी रात के 9 बज रहे हैं और अभी पापा क्लास खत्म करके इधर बैठ चुके हैं काम करने के लिए, मम्मी ऊपर रोटी बनाने गई है और मैं देखो पापा की चोटी बना दी। देखो पापा के बाल कितने खूबसूरत लग रहे हैं और इधर से बनाई मैंने चोटी, नीचे करो, कितने प्यारे लग रहे हैं पापा ना बहुत। और गाइस कमेंट करके बताना पापा प्रिटी लग रहे हैं या हैंडसम लग रहा है, कमेंट करके बताना, ठीक है बाय। तो गाइस देख रहे हो माहौल, देख रहे हो पूरा। ओए बाल मत खींचो मेरे, ये चोटी सिस्टर ने बनाई है मेरी, ये पापा चलो आपकी चोटी बनाती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती है, कहीं क्लिप लगा देगी, कहीं चोटी बना देगी रबर बैंड लगा के, कहीं कुछ करेगी। ओ हाँ गाइस, कल तो जन्माष्टमी है, तो इससे पहले कि ये व्लॉग लेट आए तो मैं पहले ही बता देता हूँ, आप पहले ही विश कर देता हूँ आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं, सबके घर में अच्छे से जन्माष्टमी सेलिब्रेशन हो, और जो जिसके घर में होता हो, जो लोग फास्ट रखेंगे तो कृपया अपना ध्यान रखें, और ब्लेसिंग्स है कान्हा जी हर किसी की विश जरूर पूरी करें। मैं भी यही विश चाहता हूँ कि जो भी आपकी विश हो, और विश में ना मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि विश में ना कभी ये मत मांगो भगवान हमें ये दे दो वो दे दो वो दे दो, बस उनसे सिर्फ और सिर्फ ये विश मांगा करो कि भगवान हमें स्ट्रांग बनाए हर एक परेशानी से, हर एक कठिनाई से हमें लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए, जो भी आए हम उसको सहन, मतलब उसको वो हमें कुछ ना कर पाए और हम स्ट्रांग बन जाए, और वो हमें बस ऐसे ही हमारे साइड से बगल से निकल जाए, तो बस यही विश मांगा करो। नीयत देखी जाती है इंसान की, क्योंकि नीयत कैसी होती है, ऐसे वही बात है ना, नीयत पे ही सब कुछ चीजें डिपेंड करती है। तो मेरे जो ख्याल थे वो मैंने आप लोगों को शेयर किए, तो होप आप लोग किसको जो जिसको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना इसी के नाम पे, तो मैं तो फास्ट रखूंगा नहीं, हिमलता फास्ट रखेगी। चलो इसी के साथ गाइस ब्लॉग का एंड करते हैं, होप आप लोगों ने ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। आजकल मैं छोटे ब्लॉग ही बना रहा हूँ, जब जब मुझे टाइम मिल रहा है तब तो मैं आप लोगों से वो चीजें शेयर कर रहा हूँ। 12 बजने वाले हैं, तो इससे 12 बजे से पहले ये 12 बजे से पहले अपना पानी वानी पी के ही सो जाएगी, 12 बजे के बाद ये कुछ नहीं खाती पीती है, तो बस यही फास्ट रखने वाली है कि मैं नहीं रखूंगा, कि मुझे बहुत काम होते हैं, मैं बहुत पहले रख लेता था फास्ट, लेकिन अब मैं नहीं रखता। हाँ करवा चौथ का फास्ट है, वो मजबूरी में रखना पड़ जाता है। वो भी क्यों मजबूरी है, मजबूरी तो मत बोलो। नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ, जरूरी होता है ये पार्ट ना, मतलब हम डार्क साइड हम दिखा नहीं सकते। तो बाय गाइस, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।
कल मेरी बारी नहीं है, कल हिम्मता की बारी है व्लॉग बनाने की, तो हम बारी बारी करते हैं। आज मेरी बारी, कल तेरी बारी। क्या तेरा क्या मेरा, सब कुछ हमारा है। सब कुछ, सब कुछ आपका है, सब कुछ हमारा है, सबका है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट।